अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असी अज अपने उस प्लाट के मौजूद हैं जिहड़ा साडा कलराठे रकबे दे विच लगा होया। कौड़ी जी जमीन है, नवी आबाद जमीन है, कलराठी है। पिछले साल भी इत्थे गंदम की फसल इन्नी अच्छी नहीं हुई, इस दफा राया सी वो भी इन्ना कोई जबरदस्त नहीं होया। जर्मीनेशन ही बड़ा इशू सी। सारा तो मेन प्रॉब्लम है जमीन का कि कलराठी है, कौड़ी है, ये पानी रोकती है, पानी नहीं सुखाती। ठीक है, दान वास्ते सूटेबल है, यानी कि इन्नी पक्की है कि इतने पानी नहीं सुकता। तुसीं देख रहे होवोगे कि खेरियां दे विच पानी मौजूद है और इन्दे जिहड़े उपरली जगह है ये तो फिलहाल बारिश हुई हुई है तो जरा वत्तरे च खड़ी है। नहीं तो आम दिनों च की होंदा कि थल्ले पानी खड़ा होंदा, उत्ते कपाह जिहड़ी है वह सोका मना रही होंदी है। लिहाजा ये सोका मना रही होंदी होंदी इस वक्त, लेकिन इस दफा क्योंकि बारिशां जारी ने तो बारिशों के जमीन जरा वत्तर फटी खड़ी है। नहीं तो आम दिनों च की होवेगा, दुब पव्या भी थले पानी खड़ा होवेगा, उत्ते नरमा सोका की इस किस्म की जमीन है कि पानी नहीं सुखा दी। इस दे उत्ते असी इंदी ऑलरेडी भी असी वीडियो एक अपलोड की सी कि असी इस किस्म की जमीन के उत्ते कर रहे हैं कपाह की काश्त। देखांगे वरायटी असें इत्थे TD20 लगाई हुई है। जर्मीनेशन आलमोस्ट इन बेहतर है, जिते ज़्यादा कड़वी उ कई बस जगह तो गैप है ने, वरना 80% तक ये जर्मीनेशन हो चुकी है। कुछ गैप है जिते बिल्कुल ज़्यादा कड़वी जमीन है, वरना हो चुके। कुछ असी बाद नागे भी लगाए सी, तुसीं देख रहे होवोगे कि नागे भी लगा दिते सी। इत्थे साडा प्लैन सी कि असीं इहनूं हाई डेंसिटी ते करांगे और अगस्त दे विच इत्थे धान काश करांगे। और अजे तक साडा इही जहन है जर्मीनेशन नूं देखदे होइआं, इंशाल्लाह कोशिश करांगे कि धान काश करिए। अगर कपाह दी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हो सकदा धान भी ना काश करिए, लेकिन अगर मिसाल तौर ख़त्म आउंदी नज़र आई या इहदी एवरेज दे विच कोई कमी आई या साडा जहन होया, वह भी तुहाडे नाल शेयर करांगे कि इहदे ते बंदा धान काश कर सकदा। क्योंकि एक जमीन जिहड़ा फील्ड है पानी रोकदी है, तो पानी की निकासी का जिस जगह पर फील्ड पानी की निकासी का भी कोई सिस्टम कोई नहीं है। इस दफा असी खेलियां कुछ वड़ियां कड़ियां सी जिन्हां दा टॉप तो काफ़ी है, यानी कि इत्थे पानी का गैप काफ़ी पानी आ सकता है। अगर बारिश आ जाए तो पानी बिच खलो सकता है। तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं दोस्तां नाल कि यह तजर्बा साडा कामयाब रहा है कि असी कलर वाला कौड़ा रकबा, कलराठा रकबा, इत्थे दूसरी फसल भी अच्छी नहीं आती। साड़ी इत्थे गंदम 2 एकड़ की पैदावार पिछले साल 10 मन सी, इस दफा राय की 2 एकड़ की पैदावार 5 मन सी। 2 एकड़ की पैदावार राया जर्मीनेशन ही पूरी नहीं हुई सी राय की, लेकिन कपाह की अलहमदुल्ला जर्मीनेशन अच्छी होगी। लावन दे विच कोई टेक्निक असी अपनाई सी कि असी इनू वत्तर ते नहीं लाया, असी इनू उस जगह पर लगाया बी इंदा पानी इच पहुँचा जिथों थले पानी सी, पानी उत्तू जमीन थोड़ी खुश्क सी, थलू जिहड़ा पानी का चोपा लगा सी उन्हें पानी वाली जमीन नूं गिली जमीन नूं टच करवाया सी। इस तरह कुछ किया बस जगह पर जिथे पानी चोपा उत्ते रह गया, जर्मीनेशन नहीं हुई, बस जगह पर हो गई। अगर इन वत्तर दे उत्ते असी लगा दे फिर उत्ते कलर कड आउंदी, जमीन कौड़ी हो जाती, फिर वो जर्मीनेशन नहीं आती। असी इन पानी नाल भरिया, पानी इत्थे दे थले नेड़े सी, उत्ते नेड़े नेड़े इहदा असी चोपा लगा दिता। हुण अलहमदुल्ला बेहतरीन है, जर्मीनेशन ते भी असी मुतमिन हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी जिहड़ी बूटियां उग रही ने ग्लाफोसाइड दा स्प्रे हो जाएगा और पानी की कंडीशन यही रहेगी, इंदे विच पानी सानू 24/7 खड़ा रखना पाएगा। ठीक है, अगर इंदा पानी अगर खुश्क हो जाता है, क्योंकि थल्लू तो खुश्क करता ही नहीं जल्दी, उत्ते फिर सोका मनाने लग जाती है, थल्ले पानी जिहड़ा है वह खड़ा रहिंदा। लिहाजा इंदा इस तरीके पानी नहीं लगेगा कि पानी सारी जमीन दे विच खुश्क हो जाएगा, तो फिर क्योंकि इंदा वत्तर नहीं चढ़ता, जिथे तक पानी है उत्थे तक पानी है, उत्ते इंदी सीपेज वत्तर उपन उतनों नहीं चढ़ेगा। जड़ दी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है, असी कुछ पौधे अगे पट के भी वेखे ने, यह थलो जड़ टुट गई है एक पौधे की, जमीन क्योंकि हार्ड है सख्त है, यह देखो इस तरह थलो अगे लंबी जड़ जा रही है। ठीक है, जड़ की जर्मीनेशन माशाल्लाह अच्छी हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ भी जबरदस्त है बाकी फील्ड की निस्बत। तो जो भी इंशाल्लाह इन बारे साडे प्लैन होणगे वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे, कलराठे रकबे ते किस तरह तुसीं कपाह काश कर सकते हो। जो भी साडा इस साल दा एक्सपीरियंस होएगा इंशाल्लाह अगले साल लोगों के काम आएगा कि कलराठे रकबे ते किस तरह असीं कपाह काश कर सकते हैं और उन्हां दी की परफॉर्मेंस रह सकती है, वह जमीन जिहड़ी कड़वी जिहड़ी नवीं आबाद। अच्छा, कलराठे रकबे दा एक होर फायदा भी है, इत्थे जिहड़ी भी फसल अड़ जाए ना, साडे पंजाबी च कहिंदे ने कलराठे रकबे जिहड़ी फसल अड़ जाए यानी कि उग जाए, फिर उनकी एवरेज में कोई दूसरी फील्ड नहीं पहुँचती। पर इंशाल्लाह सानू भी इस यही उम्मीद है कि जी एवरेज सानू इतों मिलेगी बाकी फील्ड हो सकता ना मिले, क्योंकि इन नमकियात खुराक के अज्जा जोड़े ने वो ज़्यादा आते हैं, इस्तेमाल हो नहीं आते, मौजूद होंगे ने। तो इंशाल्लाह सल्फर भी इस्तेमाल करा,
इनकी कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश करांगे। हो सकता है इन तो सल्फोरिक एसिड भी असं इस्तेमाल करिए, फ्लड करिए, तो इन तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट जो भी होएगा वो भी थोड़े नाल शेयर करेंगे। मौजूदा जो सूरत हाल से वो असं थोड़े नाल शेयर कर दिती है। वरायटी इतने TD20 असी लगाई है, पिछले साल भी साढ़े फील्ड नवी वरायटी सी, इस दफा असी उ इतने लगाइए। बीज का असी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल इतने किया, अगर कुछ ज़ाया हो जाता है, जर्मीनेशन नहीं होती तो मसला नहीं है। तो फरदर प्लैन इंशाल्लाह जो भी होएगा इस रकबे के बारे स्पैशल इंशाल्लाह तुहाडे वास्ते इंदी वीडियो मिलती रहेगी, तो और इंशाल्लाह अगले साल वास्ते लोगों के वास्ते खसूसी तौर पर जिन्हें कलराठे रकबे ने, जिन्हों जमीन पानी रोक दिया ने, वो किस तरह कपाह काश्त कर सकते हैं, जरूर उन्होंने वास्ते साडा मन साबित होएगी। जर्मीनेशन भी तुसीं सारी नाल नाल देखी होनी है, असीं तुहानूं नाल दिखा देंगे तस्वीरां दी सूरत विच भी। कुछ जगह ते गैप है ने, कोशिश करांगे कि हुण जिहड़ा पानी लगाया तो गैप फिलिंग वो भी कर लईए, लेकिन कुछ जगह ते वो ज़्यादा ही कड़वी है, बिल्कुल ही कड़वी है, वो तो थोड़े फुलके गैप ने, बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह 80% तक जर्मीनेशन है। शुक्रिया।